नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा है उस पर भी आप जरूर क्लिक कर दें ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो का लिंक आप तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो से सभी जानकारियाँ ले सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में, जो कि 11 अगस्त को पड़ रही है। जैसा कि सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने धरती पर अवतार लिया था और उसी के उपलक्ष्य में यह महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिर को सजाया जाता है, नाच गाना किया जाता है, तो हर तरह की साज सज्जा जो है मंदिरों में देखने को मिलती है इस दिन। तो कुछ लोगों में भ्रम है कि किस दिन इसे मनाया जाए, जो कि गृहस्थी वालों के लिए है और मंदिरों में जो ये है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, ये 11 अगस्त को मंगलवार को प्रातः 9:07 से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है और उसी दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। और 11 अगस्त 2020 को रात को 12 बजे से लेकर 12:47 तक जो है पूजा का मुहूर्त रहेगा, यानी इस पूजा का मुहूर्त का टाइम जो है वो 47 मिनट का रहेगा। इस दिन जो है अष्टमी तिथि और कृतिका नक्षत्र पड़ रहे हैं। चंद्रमा इस दिन मेष राशि में रहेंगे और सूर्य जो है कर्क राशि में। तो भगवान का जन्म जब कृष्ण पक्षी अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि में हुआ था। रोहिणी नक्षत्र में जब भगवान का जन्म हुआ था तो बहुत ही शुभ संयोग था, लेकिन अब की बार अष्टमी तिथि और कृतिका नक्षत्र है। तिथि हालांकि अष्टमी है क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है अष्टमी तिथि को ही मनाई जाती है और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है कृष्ण पक्षी अष्टमी तिथि को ही हुआ था। तो इस दिन जो है भगवान श्री कृष्ण का मंत्र जाप, इनकी पूजा आदि करें, इनका व्रत आप रखें। कई जगह पर था है कि व्रत करने का और चंद्रमा का दान करने का जो है वो दिन 11 अगस्त का ही है। 11 अगस्त में, क्योंकि कई लोगों में मतभेद है कि 11 अगस्त को मनाएं या 12 अगस्त को, तो देखिए 11 अगस्त को मनाना उत्तम रहेगा क्योंकि 11 अगस्त को बिल्कुल सही दिन है और अष्टमी तिथि जो है सुबह प्रारंभ हो जाएगी 9:07 में। तो इसलिए इसको 11 अगस्त को मनाया जाए और उसके बाद 11 अगस्त की रात को 12 बजे से 12:47 तक जो है पूजा का मुहूर्त रहेगा, जैसा मैंने आपको भी बताया। तो इसलिए कोई भी इसमें परेशान ना हो और भगवान की पूजा पूरी विधि विधान से करें। व्रत आदि दान दक्षिणा जो भी है, चंद्रमा दान और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए सभी कार्य जो भी आप करते हैं वे सभी आप करें इसी दिन व्रत को रखें। और व्रत का जो पारण का वो टाइम है वो अगले दिन 12 अगस्त को, यानी कि दिन बुधवार को रहेगा पारण तिथि, तो उस दिन आप पारण करें अगले दिन। तो आज आप लोगों ने जाना श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। हमारी और वीडियो आगे भी आती रहेगी, आप हमारी वीडियो को लाइक भी करें और उसको शेयर भी कर दें ताकि वो लोग भी देखते रहें। इसके अलावा कोई बात यदि आप हमसे पूछना चाहते हैं तो दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको सभी जानकारियाँ विस्तार से दी जाएगी। धन्यवाद।